हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है ये मेनली एमडीयू और आईजीयू के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। सो एमडीयू और आईजीयू के सिक्स सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आता है 30 मार्क्स का। इसमें से अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो होंगे 12, मतलब 12 नंबर थ्योरी में आएंगे तब आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 9 क्वेश्चन आते हैं। 9 क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कंपल्सरी, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन ए बी सी और डी या फिर सेक्शन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो पेपर है उसका डिवीजन होता है। यहाँ पे टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और सभी सेक्शन से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है ये अटेम्प्ट करना है, इसके साथ साथ ए सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक बी सेक्शन से, एक सी सेक्शन से और एक डी सेक्शन से। क्लियर? तो ये इस तरीके का पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। बहुत बार बच्चे एक ही सेक्शन से दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, सो एक क्वेश्चन उसमें और ओवर अटेम्प्ट माना जाता है जिसकी वजह से उनके मार्क्स है वो काफी कम आते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमर्स चैप्टर को। सो पॉलीमर्स में क्या है, पॉलीमर्स में आपको ये कुछ एक पॉलीमर्स है, इनके मोनोमर्स के नाम याद रखने हैं और उनके यूजेस याद रखने हैं। जैसे पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो ये क्या है, पॉली मतलब पॉलीमर, विनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका पॉलीमर बनाना होगा तो पॉलीमर में क्या है, जब भी कोई डबल बॉन्ड आता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सो इसका जब भी पॉलीमर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हटाओ, दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर दो और एन, ठीक है। तो ये इसका हो गया पॉलीमर, दैट इज पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं हैंडबैग्स के प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, रेन कोट्स बनाने में, प्लास्टिक के डोल्स बनाने में, वायर्स बनाने में, केबल कोटिंग बनाने में। तो ये जो टॉपिक है, मतलब जो पॉलीमर का टॉपिक है, इसे क्या क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि कुछ पॉलीमर्स के नाम दिए होंगे उनके मोनोमर्स लिखो, एक क्वेश्चन आता है कि ये पॉलीमर है इसको इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। तो मोनोमर अगर आपको मालूम है तो ये मोनोमर हो गया, रिएक्शन ऐसे लिख देंगे, दिस गिव्स राइज टू दिस, यहां पे लिख दो परोक्साइड। क्लियर? सो ये मोनोमर हो गया, परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई। यूजेस के लिए आता है कि यूज इसका कोई भी यूज बताओ, तो जो जितने भी यूजेस लिखे हुए हैं उनमें से एक या दो यूज आप आराम से लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट है, दैट इज पॉलीस्टायरीन, जिसको स्टायरोन बोलते हैं। पॉलीस्टायरीन का मतलब क्या है, ये स्टायरीन जो मॉलिक्यूल है उसका पॉलीमर है। स्टायरीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। यहाँ पे भी क्या करना है, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है वहां से एक बॉन्ड रिमूव करना है, दोनों तरफ बॉन्ड को एक्सटेंड कर देना है। ये हो गया पॉलीमर। कैसे बनाएंगे इसको, इस तरफ यहाँ पे या तो परोक्साइड मेंशन करो एरो के ऊपर या फिर O2 मेंशन करो, इसके अंदर हम क्या मेंशन कर देंगे, ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप O2 परोक्साइड लिख के भी इसको रिएक्शन को फिनिश कर सकते हैं, इस तरीके से शो कर सकते हैं। पॉलीस्टायरीन को कहाँ यूज करेंगे, एग के जो बॉक्सेस हैं उनके प्रिपरेशन में, जो फ्रिज की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर, टॉयज में, हाउस होल्ड वेयर्स के अंदर। तो इसके कुछ यूजेस हैं, इनमें से कोई भी आप दो यूज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नियोप्रीन। सो नियोप्रीन किससे बनेगा, नियोप्रीन है वो बनेगा क्लोरोप्रीन से। बहुत बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि जो क्लोरोप्रीन है वो मोनोमर है या पॉलीमर है, तो हमें ध्यान रखना है क्लोरोप्रीन जो है दैट इज मोनोमर और उसका जो पॉलीमर है उसका नाम है नियोप्रीन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1,3-butadiene और सेकेंड पोजिशन के ऊपर क्लोरीन, सो 2-chloro-1,3-butadiene, ये हो गया क्लोरोप्रीन। अब इसका हमें क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये जो यूनिट है, अब एक यूनिट से तो पॉलीमर बनेगा नहीं, पॉलीमर में काफी यूनिट्स होती है, तो कोई जो इससे पीछे जो यूनिट होगी, यहाँ पे एक यूनिट है और एक यहाँ पे यूनिट है,
उस यूनिट का एक एटम है जो डबल बॉन्ड है उसका टैग यहाँ होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पे और ये बॉन्ड चला जाएगा आगे। तो इसी तरीके से किया, देखो जो सेंटर के जो दो कार्बन थे उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ है, और जो साइड वाले कार्बन थे उनके जो बॉन्ड थे डबल बॉन्ड उनको रिमूव करके एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से नियोप्रिन की प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट है बैकेलाइट। बैकेलाइट को हम बोलते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसका जो नाम है उसी, देखो जो नाम में मेंशन हो रखा है इसके अंदर कौन कौन से मोनोमर का हम यूज करेंगे, तो एक है फिनोल, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल हो गया ये स्पीशीज और ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे तो वहां से सबसे पहले ऐसे बनता है एक कंपाउंड OHCH2OH और दूसरा हो गया CH2OH। ठीक है, इस तरीके की स्पीशीज बनेगी। अब इस तरीके की स्पीशीज के अंदर अगर हम नंबर ऑफ, ये क्या हो गया मोनोमर हो गया, मोनोमर बेसिकली है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन लर्न करने के लिए हम देखते हैं ऐसे रिएक्शन हो गई। अब इसमें क्या होगा, हम इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, एक इसी की दूसरी स्पीशीज है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि OHCH2OH, ये हो गया CH2OH, क्लियर। अब यहां से क्या होगा, ये H, ये H और OH यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बीच में आ जाएगा CH2 बॉन्ड जो इनके बीच में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये जो यूनिट है वो नीचे की तरफ और यूनिट के साथ भी कंबाइन करेगी जैसे कि इसमें कंबाइन किया। ठीक है, ये यूनिट है ये आगे फर्दर कंबाइन करेगी। सो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मैंने बनाया था ना ऑर्थो और पैरा के ऊपर, ये ऑर्थो हो गई ये पैरा हो गई, ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर हमने बनाया था ये CH2OH, उसी को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो हमने तीनों ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पैरा इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इसको हम एक तरीके से इतना ज्यादा मतलब बड़ा स्ट्रक्चर ना बना के इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि CH2 ये भी एक्सटेंड हो गया, ये CH2 भी एक्सटेंड हो गया और ये CH2 भी एक्सटेंड हो गया। सो दिस इज द पॉलीमर दैट इज बैकेलाइट। बैकेलाइट को हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर यूज करेंगे, प्लग्स बनाने के लिए यूज करेंगे, कंघा बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। बैकेलाइट बहुत हार्ड होता है, इसीलिए इसको हम जो हार्ड मटेरियल है जैसे स्विचेस हो गए, बोर्ड्स हो गए, प्लग्स हो गए, उनको बनाने में इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। सो टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ये किससे मिलकर बना है, इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ठीक है, ये एक तरह से पॉलीथिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का पॉलीमर होता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं CH2CH2, इसको एंटाइन्स, क्लियर। ये इथीन और ये पॉलीथिन। ठीक है, सेम ऐसे ही जो टेफ्लॉन है वो किसका है, 1 2, ये क्या हो गया 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरो इथीन, ये हो गया मोनोमर और इसका हो गया पॉलीमर। यहाँ से हम डबल बॉन्ड को रिमूव करेंगे, दोनों बॉन्ड को दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे एन लगा देंगे। ये जो टेफ्लॉन है कहाँ यूज करते हैं, जो भी हम पेन नॉन स्टिक पेन यूज करते हैं, जो किचन में हम नॉन स्टिक पैन यूज करते हैं, उन पैन के अंदर क्या होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। इसके साथ पाइप्स के अंदर या वॉल की शीट्स के अंदर भी हम टेफ्लॉन को यूज करते हैं। इसके अंदर भी यही है कि अगर इसकी प्रिपरेशन पूछी जाए तो मोनोमर लिखना, पॉलीमर लिखना और यहाँ पे परोक्साइड या फिर सिंपल तुम ऑटो लिख के यहाँ पे रिएक्शन को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नाइलॉन 6-6। इसके नाम में ही रिप्रेजेंट किया गया है 6-6। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो दो मोनोमरिक यूनिट है दोनों के अंदर 6-6 कार्बन है। इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होगी, COH CH2 4 COH, यहाँ पे 6 कार्बन हो गए। दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गए। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी, अब इसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होगा। तो इसमें हमें एरो के ऊपर कोई भी परोक्साइड नहीं लिखना है। एरो के ऊपर परोक्साइड या O2 तभी लिखना है जब हमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमने एक्सटेंड किया है। ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे, जैसे COH था, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये होगी, पहले मैंने इसको लिखा एडिपिक एसिड, उसके बाद यहाँ से इसका H और इसका OH रिलीज हो जाएगा और वहां से वाटर निकल जाएगा, तो ये हो गया वाटर।
तो ये एसिड है, इसका जो OH है वो भी बैक साइड में दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा, फिर CH2CO जो यहाँ से ये था, देन NH CH2 6 NH। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसके अंदर एक स्मॉल मॉलिक्यूल है उसका रिलीज हुआ है। नाइलोन 6 को हम कहाँ यूज करेंगे? नाइलोन 6 को हम यूज करेंगे कार्पेट्स बनाने के अंदर या रोप्स बनाने के अंदर, टायर की जो बोल्ट्स होती है उनको बनाने के अंदर भी उसके अंदर भी नाइलोन 6 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ब्यूना S। ब्यूना एस को हम ऐसे याद करेंगे, BU का मतलब है ब्यूटा 1,3-डाई। सो BU है ब्यूटा 1,3-डाई। एस का मतलब है स्टाइरीन और Na का मतलब है सोडियम। तो देखो इसके जो मोनोमर है उसके नाम इसके नाम में ही, मोनोमर क्या है ब्यूटा 1,3-डाई, ये क्या हो गया स्टाइरीन। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे किसकी प्रेजेंस में, Na की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होगी सोडियम के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा ब्यूना एस। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होगी, इस रिएक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये मोनोमर याद रखना है, ये पॉलीमर याद रखना है, तो हम कैसे करेंगे इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको मैं PH लिख देती हूँ C6H5 को। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, ये दो मोनोमर है, इसी तरीके से बहुत से मोनोमर्स कंबाइन करके पॉलीमर बनाएंगे, बैक साइड से यहाँ से अटैक होगा, पीछे की जो भी यूनिट प्रेजेंट होगी ब्यूटा 1,3-डाई की, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर, तो ब्यूटा 1,3-डाइन का जो पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, अच्छा ब्यूटा 1,3-डाइन को कहाँ, ये ब्यूना एस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको हम यूज करते हैं फ्लोर की टाइल्स बनाने में या ऑटो टायर्स बनाने में, शू सोल बनाने में, जो जूते के अंदर जो सोल यूज होता है वो किसकी बनी होती है, ब्यूना एस की बनी होती है। नेक्स्ट इज टेरिलिन। टेरिलिन को हम कैसे बनाएंगे, उसका जो मोनोमर है वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्थेनिक एसिड। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का जो OH है वहां से H रिलीज होगा और एसिड का OH जाएगा, तो वाटर रिलीज हुआ, सेम जैसे नाइलोन 6 का केस था सेम ऐसे। तो यहाँ पे टेरिलिन का जो मोनो पॉलीमर बनाया हुआ है इसमें शुरू में जो OCH2CH2O ये पोर्शन कहाँ से आया, इथाइलिन ग्लाइकोल से, और आगे जो बेंजीन वाला पोर्शन है वो आया है टर्थेनिक एसिड। तो टेरिलिन को हम कहाँ यूज करते हैं, सीट बेल्ट के अंदर, टायर्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो ब्यूना एस है उसी के तरीके से एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं ब्यूना एन। तो ब्यूना एन में क्या होता है, ब्यूटा 1,3-डाइईन होता है, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एन का मतलब होता है एक्राइल नाइट्राइल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ठीक है, जो C6H5 है स्टाइरीन में इसकी जगह CN आ जाएगा, CN कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जिनके हमने मोनोमर पढ़े हैं, रिएक्शन पढ़ी है और यूजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। बहुत बार पूछा जाता है कि ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है और ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट होता है टाइटेनियम का क्लोराइड, उसको हम एल्यूमिनियम के एल्काइल के साथ रिएक्ट कराते हैं। सो TiCl3+AlR3 ये क्या हो गया, ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। इसमें R को बेसिकली हम एल्यूमिनियम C2H5 thrice इस तरीके से हम यूज करेंगे, ट्राई इथाइल यूज करेंगे एल्यूमिनियम का। ठीक है, ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होगी, वो पॉलीमराइजेशन ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो उसको हम बोलेंगे ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। अब ये होती कैसे है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत कुछ लिखने की बजाय जितना इस वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक में समझाया गया है, जितनी भी पिक्चर या रिएक्शन है, सिर्फ उतना लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये टाइटेनियम का 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाकर 5th बॉन्ड बनाया इथाइलिन के साथ, जो एल्यूमिनियम के साथ था। क्लियर, अब क्या करना है, एल्कीन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, एच। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, जो टाइटेनियम है उसको जो इथाइलिन का डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये हो गई फर्स्ट स्टेप। जो सेकेंड
फर्स्ट स्टेप की जो रिजल्टेंट है ये क्या होगी, बीच में इंटरमीडिएट बना है, ये जो रिजल्टेंट है ये कैसे बना है, इसको समझने के लिए हमने जो प्रोग्रेशन किया है वो देखा। यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइन करेंगे, यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी CH2 CH2 को, और जो लास्ट में CH2 डॉट था ये जो CH2 था जो फ्री रेडिकल बन रहा था ये कंबाइन करेगा जो हाइड्रोजन यहाँ से फ्री रेडिकल उसके साथ, इसीलिए यहाँ पे बन गया ये CH3। क्लियर? तो इस तरीके से हमें इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो CH2 का अपना बॉन्ड यहाँ पे डोनेट करेगा, फिर ये रिएक्शन कैसी होगी, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। क्लियर? तो दिस इज स्टेप वन। अब है स्टेप टू। तो जैसे स्टेप वन हुई है सेम ऐसे ही अगर हम n नंबर ऑफ इथाइलिन लेंगे तो सेम ऐसे ही फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इथाइलिन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, जो डबल बॉन्ड है वहां से डोनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये इथाइलिन है ये दोनों कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आगे ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे, अभी मैंने रिएक्शन करके बताई थी, ये इधर गया किस तरफ, ये CH2 का जो एच था एक इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, जब इसको कंबाइन करेंगे तो ऑलरेडी पहले हमारे पास 4 कार्बन थे, अब इतने कार्बन होंगे, यहाँ से 4 तो थे ही, साथ में जो इथाइलिन यूज किया है एक इथाइलिन यूज किया है, उसके दो कार्बन। तो ऐसे ही अगर हम n नंबर ऑफ इथाइलिन यूज करेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जैसे यहाँ पे जो किया था कि जो टर्मिनल होगा, ये जो चेन है, इस चेन का जो टर्मिनल होगा, टर्मिनल से हाइड्रोजन निकलेगी, वो हाइड्रोजन तो टाइटेनियम के साथ लग जाएगी और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से ये एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। सो ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन जो बेसिकली यूज करते हैं इसमें हम लीनियर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अगर कभी आता है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, तो एक तो इसको कैरी आउट करने के लिए बहुत माइल्ड कंडीशन चाहिए, अगर नॉर्मल कंडीशंस में भी ये रिएक्शन हो जाती है, दूसरा स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में रिएक्शंस होती हैं, थर्ड है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि लीनियर पॉलीमर मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन इसमें देखो ये पॉलीमर कैसा बना है, लीनियर मिला है, ब्रांचिंग नहीं होगी यहाँ पे, लीनियर पॉलीमर मिलेगा, ब्रांच या क्रॉस लिंक पॉलीमर नहीं मिलेगा, तो ये वाला पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर के ऊपर सिलेबस में दो तरीके के बेसिक कैरेक्टर बोले हुए हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, एक है पायरोल पिरिडीन और पिपरिडीन के बीच में बेसिक कैरेक्टर बताओ, दूसरा होता है क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। ठीक है, तो जो हेट्रोसाइक्लिक है वो काफी ब्रॉड है और उसमें बहुत कुछ रिएक्शन है, तो उतना याद ना रहे और सिर्फ पास होने के लिए तुम्हें तैयारी करनी है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अटेम्प्ट करके यहाँ से फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं। इसमें हमें थ्योरी नहीं लिखनी है, जिस तरीके से मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ सेम उसी तरीके से आंसर लिखना है। देखो पायरोल पिरिडीन और पिपरिडीन या तो तीनों में कंपैरिजन कराएंगे या किसी दो का कंपैरिजन कराएंगे, तो हम समझ लेते हैं। पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है मतलब ये इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। बेस क्या होता है, जो जल्दी से लोन पेयर को डोनेट करता है, जब इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो डोनेशन भी नहीं होगा, मतलब इजीली नहीं होगा। सेम ऐसे जो पिरिडीन है, पिरिडीन के पास लोन पेयर है लेकिन पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो एक्चुअल में लोन पेयर वो आउट ऑफ प्लेन है, तो वो क्या होता है, वो लोन पेयर फुली अवेलेबल है डोनेशन। क्लियर? थर्ड है पिपरिडीन। पिपरिडीन के अंदर जो लोन पेयर है उसमें कहीं पे भी कॉन्जुगेशन तो है नहीं, बगल में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस वजह से ये लोन पेयर फुली अवेलेबल है डोनेशन के लिए। क्लियर? तो अभी हमने तीनों में देखा लोन पेयर सबसे कम अवेलेबल किसमें है, पायरोल में, तो पहले हम पायरोल को बाइफर्केट कर देते हैं कि पायरोल की बेसिसिटी तो हो गई सबसे कम, अब पिरिडीन और पिपरिडीन दोनों के अंदर ही लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए। अब इनमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें नाइट्रोजन, इसमें देखो पिरिडीन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 और पिपरिडीन में है sp3, तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मॉलिक्यूल और बेसिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो अगर हम तीनों में कंपेयर करें, पायरोल में sp2, यहाँ पे भी sp2, पिरिडीन में भी और पिपरिडीन में भी पिपरिडीन में sp3। sp2 का मतलब क्या है, एक sl 2p है, तो मतलब तीन ऑर्बिटल हो गए तो 100/3 मतलब कितना हो गया, 33.3% हो गया s कैरेक्टर। सेम ऐसे ही sp3 के अंदर कितना है, sp3 के अंदर तीन तो p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल, मतलब 4 ऑर्बिटल हो गए तो 100/4 25% हो गया और एक ही s से 25% है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो sp2 है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखते हैं, उसको डोनेशन में उनको इजी नहीं रखते हैं, डोनेशन इजीली नहीं करते हैं, तो उनका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इसी रीजन की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है वो पिपरिडिन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पिरिडिन और उसके बाद पाइरिडिन। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्विनोलिन और आइसोप्रिन। नेक्स्ट जो बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है वो है क्विनोलिन और आइसोप्रिन। तो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर लिखा। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्विनोलिन में क्या है, जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, डीलोकलाइजेशन होगा इस लोन पेयर का, और ये लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा। यहीं पे अगर हम आइसोक्विनोलिन की बात करें तो देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व होगा लेकिन वो इतना ज्यादा मतलब अवेलेबल मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इजीली अवेलेबल होगा एज कम्पेयर टू क्विनोलिन का लोन पेयर है कम्प्लीट रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, इसी वजह से वो क्या होता है कि मतलब अवेलेबल नहीं होता है, क्विनोलिन का लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए जो बेसिक कैरेक्टर है वो किसका ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा आइसोक्विनोलिन का ज्यादा होगा क्विनोलिन से, तो ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा ऐसे, क्विनोलिन का बेसिक कैरेक्टर कम होगा, आइसोक्विनोलिन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर एक क्वेश्चन आता है तो दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, और जो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू बेंजीन रिंग, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू बेंजीन रिंग, लोन पेयर इज मोर इजीली अवेलेबल देन क्विनोलिन फॉर डोनेशन। इस तरीके से दो लाइनें लिख के आप आराम से इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा आपको खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। क्या होती है क्लेजन कंडेंसेशन, किसी को अगर एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस याद है तो क्लेजन कंडेंसेशन समझना भी उतना ही इजी है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते थे, अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकालते थे फिर उसका अटैक कराते थे हम दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। क्लेजन में क्या होगा, एस्टर लेना, अल्फा में क्या, एल्डोल में क्या लेते थे, एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन में एस्टर लिया, ये एक एस्टर हो गया CH3COOC2H, इसी एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल लिया। यहाँ से देखो एक वन स्टेप में रिएक्शन को लर्न करना क्या है, इसका H और इसका C2H5OH निकाला, दोनों को कनेक्ट किया, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमने बेस लिया। अब मैकेनिज्म क्या होगा, बेस क्या है, C2H5O नेगेटिव है, ये बेस है, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमने एक मॉलिक्यूल जो लिया था जिसका H निकाला उसके प्रोटॉन को लेगा, तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके का जो कंपाउंडर ये बनाएगा, यहाँ से टॉटोमेरिज्म शो होगी तो ये बन गया इनोलेट, क्लियर। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा दूसरे एस्टर के मॉलिक्यूल के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये अटैक करेंगे जो कार्बोनिल कार्बन एस्टर का जो CO है वहां पे, और इस तरीके से ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर एक हो गया O नेगेटिव और एक हो गया OC2H5, फिर ये CH2 ये कहाँ से आया है, ये इस यहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद O नेगेटिव है वो बॉन्ड यहाँ पे आएगा, C2H5O नेगेटिव यहाँ से रिलीज करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमें मिल जाएगा, क्लियर। तो एल्डोल कंडेंसेशन के स्टेप्स के ऊपर भी ये रिएक्शन है, तो ये बहुत ईजी रिएक्शन है, इसको छोड़ के नहीं जाना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है तो इसको भी लर्न करके जाना है, और इसको बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसको। नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशन, छोटे छोटे डेफिनेशंस है जो एक नंबर के क्वेश्चन में आई हुई है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें आती है बहुत बार। पूछा गया है अल्फा अमीनो एसिड क्या होती है, सो अमीनो एसिड का अगर हमें जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, कार्बन के साथ में एक जगह एच होता है, एक तरफ आर ग्रुप है, एक तरफ COH ग्रुप है और एक तरफ NH2 ग्रुप है। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उसके साथ में ही NH2 और COOH ग्रुप लिंक होते हैं, ये इसके डेफिनेशन है। सो वो अमीनो एसिड जिसके अंदर NH2 और COH दोनों ग्रुप हो, लेकिन NH2 और COH दोनों ग्रुप अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हो, उनको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती है, कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, लेकिन हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए वो जरूरी होते हैं, तो उनको हम डाइट से लेते हैं, ठीक है, खाने के थ्रू उनको हम लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब वो अमीनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है बट बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ के लिए वो जरूरी होती है, तो इसलिए हम उनको आउटसाइड यानी डाइट से हम उसको
लेते हैं अमीनो एसिड्स को उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एग्जांपल है वैलिन, ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन। कोई एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन आता है डिफाइन एसेंशियल अमीनो एसिड विद एन एग्जांपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको देखो हम स्प्लिट करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस का मतलब है कि मूवमेंट होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये टेक्निक है जिसमें हमने अगर अमीनो एसिड का मिक्सचर लिया, सपोज हमारे पास देखो इसने क्या किया है, तीन अमीनो एसिड लिए हैं, एक लिए आर्जिनिन, एक लिए एलानिन और एक लिए एस्पार्टिक एसिड। इन तीनों अमीनो एसिड के मिक्सचर को लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दी है, एक तरफ लगा दी है कैथोड और एक तरफ लगा दी है एनोड। जो नेगेटिव है दैट इज कैथोड और जो पॉजिटिव है दैट इज एनोड, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोड लगा दी है। अब क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो फिल्टर पेपर था जिसके ऊपर हमने तीन अमीनो एसिड रखी थी, ये तीनों अमीनो एसिड अपने चार्ज के बेसिस के ऊपर, जिसके ऊपर जो चार्ज होगा, जिस अमीनो एसिड के ऊपर जो चार्ज होगा, अगर किसी अमीनो एसिड के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाएगी, अगर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाएगी, मतलब एनोड की तरफ चली जाएगी, और कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो एस्पार्टिक एसिड है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट किया, आर्जिनिन है वो एनोड की तरफ किया और एलानिन है वो सेंटर में रहा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो जो आयंस है वो माइग्रेट करेंगे, और मतलब जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, न्यूट्रल आयन है वो अपनी जगह पे सेम रहेंगे, मतलब उसकी जगह में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड। अभी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा था, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखा था कि जो अमीनो एसिड्स हैं अपने चार्ज के बेसिस के ऊपर माइग्रेट करेंगे कैथोड या एनोड। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो पीएच जिसके ऊपर अमीनो एसिड किधर भी मूव नहीं करता, मतलब ना तो वो इलेक्ट्रिक मतलब कैथोड की तरफ जाएगा ना ही वो एनोड की तरफ जाएगा, वो पीएच क्या होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती है, या फिर उसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, ठीक है। जैसे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हमारे पास देखो जो अमीनो एसिड है उसके अंदर दो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर मैंने R को R ही लिखा है, R के अंदर अगर मैंने कोई भी ग्रुप कंसिडर नहीं किया है, NH3 या फिर COH ऐसा कोई ग्रुप कंसिडर नहीं किया, तब की बात है। तो हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया, तो एसिडिक पीएच में क्या होगा, एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगी, बेस के साथ, तो ये बेसिक पोर्शन है। तो ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, जो एसिड वाला पोर्शन है वो एसिडिक है। बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो मतलब NH2 एज इट इज रहेगा और COO नेगेटिव हो जाएगा। न्यूट्रल पीएच में क्या होंगे, ये इस तरीके का एक डाइपोलर आयन बनता है जिसको हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। ज्यूटर आयन की भी डेफिनेशन आती है, तो ज्यूटर आयन क्या होती है, डाइपोलर आयन होता है ऑफ अमीनो एसिड, और उसमें हम ये एक पिक्चर ये स्ट्रक्चर बना देंगे, दिस इज ज्यूटर आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर देखो यहाँ पे ये जो था ये पॉजिटिव था, जैसे अभी हमने बोला था कि पॉजिटिव पोर्शन होगा अगर अमीनो एसिड के अंदर तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या था, ये पॉजिटिव है ओवरऑल मॉलिक्यूल, इस NH3 के ऊपर पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरफ मूव कर गया, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी तरफ मूव कर गया, एनोड की तरफ मूव कर गया। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो अगर कोई भी अमीनो एसिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अगर वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करती है, उस टाइम पे जो पीएच होगी उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर का नाम ही पता है, नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो बायोपॉलीमर्स क्या होंगे, पॉलीमर्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें पॉलीमर मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बायोपॉलीमर, जिसका एग्जांपल है सेल्यूलोज। नेक्स्ट इज क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स के ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसमें हम क्रोमोप्रोटीन्स का क्या मतलब होता है, ये क्रोमोप्रोटीन्स कौन से हैं, मेनली हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन है, इनको हम क्रोमोप्रोटीन्स के टर्म में रखते हैं। तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स नॉन प्रोटीन पार्ट इन एडिशन टू अल्फा अमीनो एसिड। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एक तो अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा प्लस एक नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा, वो क्या होंगी, नॉन प्रोटीन पार्ट। So, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो ये डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल।
नेक्स्ट है डिटर्जेंट क्या होते हैं। वैसे तो ये एक नंबर में पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर इसको ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो हम इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिटर्जेंट का टॉपिक हम ऑलरेडी 11, 12 में पढ़ चुके हैं, सोप पढ़ते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ते हैं, डिटर्जेंट पढ़ते, तो वहीं पे ही हमने डिटर्जेंट का 3 टाइप्स को डिस्कस भी किया होता है। तो डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट क्या है, क्लीनिंग एजेंट है जिसके अंदर एक नॉन पोलर टेल होती है और पोलर हेड होता है, इस तरीके का होता है ना। तो ये क्या हो गया हेड, हेड क्या होता है पोलर, और ये क्या हो गई टेल, टेल क्या होती है नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर है वो किस में डिसॉल्व होगी ऑयल में, और जो पोलर है वो किस में डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर। इसीलिए लिखा हुआ है कि नॉन पोलर टेल है जो ऑयल सॉल्युबल है, और जो पोलर है हेड है वो क्या है वाटर सॉल्युबल है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और न्यूट्रल डिटर्जेंट या नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो एनायनिक डिटर्जेंट क्या होंगे, इसमें क्या होते हैं सल्फेट्स होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल। सो एल्कोहल की एक लॉन्ग चेन होगी, जैसे कि 12 या 18 कार्बन की एल्कोहल हो गया। इसका अगर एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चर याद ना भी रहे तो भी सिंपल हम डेफिनेशन लिखेंगे, ये सल्फेट्स हैं, किसके सल्फेट है जो लॉन्ग चेन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है उनका जो लॉन्ग चेन है उसका सल्फेट है। एल्कोहल में कार्बन कितने नंबर का, 12 और से 18 नंबर। इसका एग्जाम्पल है SDS, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, या फिर अगर तुम्हें स्ट्रक्चर से बताना है तो ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, जो पोलर पोर्शन है दैट इज हेड, जो नॉन पोलर पोर्शन है दैट इज टेल। नेक्स्ट इज कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट में क्या होता है, जो मेन पोर्शन होता है वो क्या है कैटायन पोर्शन होता है। ये मेनली क्या होता है अमोनिया के जो है डेरिवेटिव होंगे, जैसे अमोनियम आयन के 1, 2, 3, 4 इसके यहाँ से बॉन्ड बनेंगे, एक तरफ बन गया CH3, एक तरफ बन गया CH3। यहाँ पे कोई बड़ा सा आर्गन है, इधर बेंजीन से कनेक्टेड कोई, बेंजीन की तरह कोई रिंग कनेक्ट होगी, तो ये होगी कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट को हम इनवर्ट सोप भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वाटर सोल्यूबल जो एंड है वो क्या है पॉजिटिव है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। जो एनायनिक डिटर्जेंट थे इसमें जो वाटर सोल्यूबल था, वाटर सोल्यूबल मतलब हेड, हेड कौन सा था एनायन था, ये वाला पोर्शन था, जबकि कैटायनिक में क्या है वाटर सोल्यूबल पोर्शन क्या है ये है पॉजिटिव चार्ज वाला। नेक्स्ट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ये क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, इसका एक तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इसका ये एग्जांपल याद रखना है, ये जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये क्या है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से जिसको फोबिया हो, तो ये टेल हो गई, और ये क्या है जिसको फिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर लविंग, ये क्या होंगे वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, तो इसको आप जरूरी नहीं कि तुम्हें इसी से लिखना, तुम्हारे जो कॉमन साइंस में थोड़ा बहुत प्रोटीन कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रोटीन एंजाइम्स में होता है, एंटीबॉडीज में होता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए, स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट प्रोटीन, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं ये प्रोटीन्स को यूज करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, मूवमेंट प्रोटीन्स, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। सो ये क्या है इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। सो हम बायोलॉजिकल फंक्शन में 2-3 फंक्शन लिख सकते हैं कि प्रोटीन्स हैं वो हार्मोन्स के सिंथेसिस करते हैं, मतलब हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, एंजाइम्स भी बने होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक है, इसको हम बेसिकली 12th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 12th क्लास में जब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, डीनेचुरेशन का क्या मतलब, जो प्रोटीन है प्रोटीन के अंदर क्या होता है एक पर्टिकुलर फोल्डिंग होती है, उसकी पर्टिकुलर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो भी प्रोटीन है उसका पर्टिकुलर एक काम होता है, ठीक है। तो अगर हमने उसको हीट कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, या कुछ एसिड ऐड कर दिए, या पीएच चेंज कर दी, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन फोल्ड हो रखी थी वो एक तरीके से क्या हो जाती है, ऐसे लीनियर सी हो गई। तो ये क्या हो गया, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स ड्यू टू हीटिंग, मतलब टेम्परेचर चेंज किया, ट्रीटमेंट विद एसिड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ एग, एग को हीट करना, या जो मिल्क है उसका खट्टा हो जाना, वो किसका एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन के फैक्टर्स क्या क्या, कौन कौन से फैक्टर है जो डीनेचुरेशन को करते हैं, तो उसमें फर्स्ट है
चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो डीनेचुरेशन होगा, पीएच चेंज होगा तो डीनेचुरेशन होगा, किसी भी रिएजेंट की एडिशन होगी, या तो एसिड ऐड कर दो, डिटर्जेंट ऐड कर दो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दो, सो ये क्या करेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है कि बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लिखना, आपके पेपर में दो या तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले क्या, फाइब्रस, फाइब्रस का मतलब फाइबर की फॉर्म नहीं, मुझे जो थ्रेड लाइक फॉर्म में होंगे वो होंगे फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल शेप के होंगे, ग्लोबुल जो होती है उसकी तरीके से। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है इनकी शेप क्या होगी, थ्रेड लाइक, ये क्या होगी, स्फेरिकल शेप। ठीक है, अब थ्रेड लाइक शेप के लिए तुम प्रोटीन का एग्जांपल देखो तो हमारे जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर के अंदर भी फाइब्रस प्रोटीन होता है। तो एग्जांपल हो गया, हेयर के अंदर जो प्रोटीन होंगे वो कौन से हैं, फाइब्रस प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। केराटिन को हम फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसका एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम्स हो गए या हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट फाइब्रस प्रोटीन है वो इनसोल्यूबल हो गए, फर्दर भी जो ग्लोबुलर है वो क्या होंगे, सोल्यूबल। तीन पॉइंट्स लिख के हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन अगर और ज्यादा पॉइंट लिखने हैं, लर्न हो सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। ये भी लिख सकते हैं कि फाइब्रस वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फाइब्रस है वो मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि केमिकल प्रोसेस वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट कौन सा करता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के मेनली कौन कौन से स्ट्रक्चर है, एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर और फोर्थ है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन के जो फोर स्ट्रक्चर्स हैं इनको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये आपको पेपर में ड्रॉ नहीं करनी है, इसे समझाने के लिए बताया गया है। पेपर में अगर आता है प्राइमरी प्रोटीन क्या होंगे तो क्या लिखेंगे, ये सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की, सिंपल जो सीक्वेंस होती है, जैसे एक अमीनो एसिड क्या होगी, सी एच आर एन एच टू सी ओ एच। इसी तरीके से मैं दूसरी अमीनो एसिड लिख लेती हूँ, एन एच टू सी एच आर डैश सी ओ एच। यहाँ से क्या करेंगे, इसका OH और इसका H रिलीज कराएंगे, और अगर हम इसका पॉलीमर बनाते हैं तो NH CH R C डबल बॉन्ड O NH CH R CO। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक लीनियर चेन है, एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की, उसको हम बोलेंगे जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं जब भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, फोल्डिंग होती है। इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, तीन नंबर में वही आ जाता है, तो इसमें हम अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, थर्ड है, अभी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को देखते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंटरेक्शंस होते हैं, कि जो भी हमारे पास थ्री डायमेंशनल जो फोल्डिंग हुई, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बने, थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बन गए, उनकी क्या हो गई, फोल्डिंग हो गई, उन स्ट्रक्चर के अंदर इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, फर्स्ट इज आयनिक सॉल्ट, जिसको हम आयनिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। दूसरा सल्फाइड लिंकेज, सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज। थर्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर टर्शरी स्ट्रक्चर आता है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, कि ये थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न है प्रोटीन का ड्यू टू साइड चेन इंटरेक्शन, और द इंटरेक्शन कैन बी आयनिक इंटरेक्शन, सल्फाइड सल्फाइड इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, या फिर जो वंडरवाल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड की चेन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसको हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का जो कंपाइल करेंगे दैट विल बी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हम किस स्ट्रक्चर में किसको काउंट करते हैं, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, इनको काउंट करेंगे।
अब है जो अल्फा हेलिक्स, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें एक अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर था और एक बीटा प्लूटोचेन। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इस तरीके से ही कॉइल होती है, दिस इज अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ से यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगी, एक शीट ऐसे होगी, दूसरी शीट ऐसे होगी और दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरीके से भी हो सकते दोनों शीट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल एंटी मैटर लिखेंगे इनको, तो ये इसमें भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हम इसको डिटेल में दोनों का डिफरेंस देखते हैं, वहां से हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से अमीनो एसिड के बीच में होगी। सो फर्स्ट है जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसकी शेप क्या है, कॉइल स्ट्रक्चर है। बीटा प्लेटेड की शेप क्या है, ज़िगज़ैग। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आता है तो उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट की ऐसे टेबल बना के उसमें दो या तीन डिफरेंस लिख सकते हैं, उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अमीनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स में क्या होगी, जो एक कॉइल है जिससे इस तरीके की था, तो ये जो एक कॉइल है, इस एक कॉइल में कितने अमीनो एसिड है, 3.6 अमीनो एसिड है पर टर्न। बीटा में कोई फिक्स नहीं होता है। स्टेबलाइज्ड वाई, इसमें क्या होती है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक ही चेन है, इस एक चेन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जबकि बीटा प्लेटेड में क्या थी, दो चेन थी, दो चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो इसमें इंटर चेन भी होती है और इंट्रा भी होती है, दो चेन के बीच में भी होती है और एक चेन के अंदर भी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ओनली पेप्टाइड चेन होती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, टू और मोर पेप्टाइड चेन, जैसे ये एक हो गया, जैसे इस तरीके से, ठीक है। टाइप्स, ये क्या है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, इसमें हमने बोला है पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। एक तो ये इस तरीके से हो गया, एक ये इस तरीके से हो गया, तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट इज जस्ट, ये जो है, अगर प्रोलीन है, अगर जो ये अल्फा हेलिक्स है बीटा प्लेटेड के अंदर कहीं पे प्रोलीन एक अमीनो एसिड है, अगर वो प्रोलीन अमीनो एसिड आती है, प्रोलीन ना कुछ इस तरीके की अमीनो एसिड होती है, उसके अंदर मतलब ऐसे रिंग होगी, यहाँ NH डबल बॉन्ड हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो प्रोलीन है, इसमें साइक्लिक रिंग है, तो अल्फा हेलिक्स अगर होती है तो उससे क्या डिस्ट्रक्शन होगा, अल्फा हेलिक्स में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, जबकि जो बीटा प्लेटेड शीट है उसमें अल्फा हेलिक्स में डिस्ट्रक्शन होगा। अगर प्रोलीन आएगी तो कॉइलिंग, जैसे कॉइल होता है, तो कॉइलिंग में अगर प्रोलीन कहीं यहाँ पे आ गई तो कॉइलिंग में डिस्टर्बेंस होगी, जबकि बीटा प्लेटेड शीट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है अल्फा हेलिक्स का, कैरेटीन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, जबकि बीटा प्लेटेड शीट का है सिल्क, फाइब्रोइड। तो यहाँ पे तीन पॉइंट लिखे, एक तो शेप, दूसरा कितनी अमीनो एसिड, स्टेबलाइज्ड बाय, इसमें सिर्फ ये दो लाइनें लिख दो, और नेक्स्ट इज एग्जांपल, ये फोर पॉइंट्स लिख के हम इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए इसके प्रिपरेशन को तो लर्न करना ही बेटर है। इसको कैसे लर्न करेंगे, क्या पूछा गया है कि अर्लन मेयर एज़ा लेक्टोन सिंथेसिस करनी है फिनाइल एलानिन की, फिनाइल एलानिन जो हमारे पास अमीनो एसिड है उसको सिंथेसाइज करना है, उसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे, इसमें भाई तुम्हें रिएक्टेंट है वो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। तो ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को जब हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे इसके साथ में, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एच इसका और ओ एच इसका, यहाँ से वाटर रिलीज हो गया, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ बन गया, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल था इसका यहाँ से डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच टू, वाटर निकल गया तो डबल बॉन्ड ओ के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर। अब जो सोडियम अमलगम है वो क्या करता है, जो कीटोन वाला पोर्शन होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटोन वाले पोर्शन का रिडक्शन कर देता है। तो यहाँ से देखो कीटोन वाला पोर्शन हो गया, या फिर देखो यहाँ पे जो एल्कीन पोर्शन है, ये एस्टर पोर्शन है, तो जो एल्कीन है इसका क्या कर देगा, ये रिडक्शन कर देगा, इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, C6H5CH2, क्लियर। बाकी मॉलिक्यूल पूरा एज इट इज। अब जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और COOH, मतलब C6H5CH2 एज इट इज यहाँ से, ठीक है। ये कार्बन हो गया, इसके साथ ये नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन भी रखा जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से C6H5CH2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या होगी, अल्फा अमीनो एसिड जिसका नाम है फिनाइल एलानिन।
तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट लर्न करना है, उसके बाद के सारी रिएक्शन तो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इजीली वो लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करना है हाइडेनटोइन सिंथेसिस से। सो ट्रिप्टोफैन है ये, इसकी सिंथेसिस करनी है किससे, हाइडेनटोइन सिंथेसिस से। सेम ऐसे ही रिएक्टेंट याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्टेंट है और एक ही रिएक्टेंट है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप होगी यहाँ से H2 और यहाँ से CO का जो डबल बॉन्ड है वो वाटर निकल जाएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। NaHg रिडक्शन, अभी पीछे वाले रिएक्शन में भी NaHg भी किया था, डबल बॉन्ड का रिडक्शन किया था, डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड हट गया। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से इतना पोर्शन, देखो ये पोर्शन इंक्लूडिंग CH2 और ये कार्बन, ये इंक्लूड है, जिस कार्बन के ऊपर NH है उस कार्बन को रखना है, तो ये कार्बन हो गया NH2 हो गया, यहाँ से CH हो गया, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे C डबल बॉन्ड O और जो NH का जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस मिली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी बस रिएक्टेंट लर्न करना है, उसके बाद रिएक्शन है उसको समझ के इजिली हम समझ के आराम से मतलब याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एनिलीन बाय थैली अमीजो मेलोनिक एसिड एस्टर सिंथेसिस। सो ये मेलोनिक एसिड का जो थैली अमीडो था वो एस्टर है, ये एस्टर है, इसका रिएक्टेंट याद करो सबसे पहले। अब जैसे हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ते थे उसमें क्या करते थे, एक इसी तरीके का थैलामाइड होता था, उसमें हम क्या करते थे बेस लेते थे, तो बेस लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो कार्बन है इस कार्बन का जो पास में जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव पोर्शन बन गया, प्रोटोन है वो निकल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने RCl लिया, ये क्या है RCl, तो ये क्या हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है जो R पोर्शन है वो लग जाएगा। हमें यहाँ पे फिनाइल एलानिन लेनी है इसीलिए हमने R लिया है C6H5CH2Cl, ये कंपाउंड है, इसको क्या करेंगे R को यहाँ पे कार्बन के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर बेस करेंगे मतलब ये हाइड्रोलिसिस कर देंगे कम्प्लीटली, हाइड्रोलिसिस करके हीट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ से ये पोर्शन है ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा इसकी क्या बन जाएगी एसिड, ये बन गई थैलिक एसिड, ये जो नाइट्रोजन था इसके दो बॉन्ड ब्रेक हुए तो दोनों जगह से क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो बन गया NH2। ये कार्बन है इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है CH2 C6H5, ये लगा हुआ है, और ये जो एस्टर वाला पोर्शन है इससे भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यहाँ से बन जाएगी एसिड COOH। तो ये रिएक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बताई गई हैं इन सब के रिएक्टेंट है, इनको एक या दो बार लिख के देखेंगे तो ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन और भी हैं, एक स्क्रैप सिंथेसिस है और एक फिशर इंडोल सिंथेसिस है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसमें भी सिर्फ मैकेनिज्म और जो रिएक्शन है उसको लर्न करके जाना है, तो इतना काम है जो आपको अपने पेपर के लिए रेडी करना है सो दैट कि आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ सके। स्क्रैप सिंथेसिस जो रिएक्शंस है, स्क्रैप सिंथेसिस है दैट विल बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन। एंड व्हाट इज क्विनोलिन, क्विनोलिन इज दिस कंपाउंड, it contains one benzene ring and one pyridine ring fused together, so this is quinoline। iske preparation ke liye hum kya use karte hain, scrap synthesis use karte hain। scrap synthesis mein hum aniline ko use karte hain, this will be reacted with glycerol CH2OH CHOH and CH2OH in presence of nitrobenzene and concentrated H2SO4 FeSO4
विद हीटिंग। सो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्विनोलिन। सो क्विनोलिन की अगर प्रिपरेशन करनी है सो उसके लिए हम मेनली स्क्रैप सिंथेसिस को यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये जो रिएक्शन है इसमें जो नाइट्रोबेंजीन है इसको हमने क्यों यूज किया है, तो दिस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो नाइट्रोबेंजीन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो फेरस सल्फेट है FeSO4 इसको हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज इट मेक्स द रिएक्शन लेस वायलेंट। सो रिएक्शन है उसको लेस वायलेंट करने के लिए हमने FeSO4 को यूज किया है। नाउ इसका हम पूरा मैकेनिज्म अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ मैकेनिज्म, फर्स्ट इज जो ग्लिसरॉल हमें गिवन था CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में यूज किया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कराएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। एक्रोलिन, सो फर्स्ट स्टेप इज जो ग्लिसरॉल है उसको हमने ट्रीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में और हमें ये मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट स्टेप इज जो एनिलिन है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम एक्रोलिन के साथ। इसको हमने ट्रीट किया CH2 double bond CH C double bond OH। सो जो लोन पेयर है एनिलिन का दैट विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहां से क्या ऑब्टेन हुआ, नाइट्रोजन के साथ में दो हाइड्रोजन कार्बन 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 O नेगेटिव एंड हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट स्टेप इज ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करेगा एंड दिस प्रोटॉन विल अटैच ऑन द O नेगेटिव, और वहां से अगर हम टॉटोमेरिज्म करा दें This is the nitrogen with hydrogen, one carbon, second carbon, third carbon, this is OH, H double bond, और यहाँ से अगर टॉटोमेरिज्म होगा so what will be the product, this will be the compound formed NH1 2 3 double bond OH। next step is जो एसिड है यहाँ से हम प्रोटोनेशन कराएंगे, जो और डबल बॉन्ड ओ है इसके बाद जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे ऑन दिस प्रोटोन, सो दिस विल अटैक हियर एंड यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाएगा NH OH पॉजिटिव। So next step is this will attack here and this bond will shift here. So there will be formation of this compound. यहाँ से क्या हो जाएगा? Ring close हो जाएगी. This is OH. Now यहाँ पे जो aromaticity थी
रिंग की वो ब्रेक हो गई है, सो एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए दिस प्रोटॉन विल रिलीज एट दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो जो रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी भी रिगेन हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन। सो अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से जो OH था और जो H है वो रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पे इस कंपाउंड की हमें फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने यूज किया था, जो हमने रिएक्शन में लिया है C6H5NO2, तो वो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको हम यूज करेंगे। सो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराएगा, मीन्स डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन करेगा। सो यहाँ से हमें क्विनोलिन ऑब्टेन होगा। सो दिस इज क्विनोलिन और जो C6H5NO2 था वो C6H5NH2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जो नाइट्रोबेंजीन है उसका रिडक्शन होके वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्क्रैप सिंथेसिस। जो स्क्रैप सिंथेसिस है इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्विनोलिन है उसके डेरिवेटिव्स को डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो हमने एनिलीन जो शुरू में प्रोडक्ट लिया था, शुरू में जो रिएक्टेंट लिया था उसमें हम कुछ चेंज करेंगे, एनिलीन है वो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेके हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। बट कंडीशन इज कि जो एनिलीन है उसकी जो एक ऑर्थो पोजिशन है वो वेकेंट होनी चाहिए। मतलब हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हम एनिलीन डेरिवेटिव्स ले सकते हैं बट उसकी जो एक ऑर्थो पोजीशन है वो वेकेंट होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन है उसमें साइक्लाइजेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इज जो हमने ये कंपाउंड लिया था इसकी जगह हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना है। सो अगर एनिलीन का डेरिवेटिव और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उनके डेरिवेटिव लेके हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल और इंडोल डेरिवेटिव्स। सो अगर हमें इंडोल प्रिपेयर करना है या इंडोल डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए हम फिशर इंडोल सिंथेसिस का यूज कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। अगर इंडोल सिंथेसाइज करना है सो जो फिशर इंडोल सिंथेसिस है इसमें हम क्या यूज करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है जो हमें प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना है उसी के रिस्पेक्ट में हम एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे और उसका फिनाइल हाइड्रोजोन बनाएंगे और उसको हम रिएक्ट कराएंगे जिंक क्लोराइड के साथ में। सो यहाँ से हमें इंडोल की फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल दिस इज एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन, दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन। इसको हम ट्रीट कराते हैं जिंक क्लोराइड के साथ में। सो यहां से हमें ऑब्टेन हुआ इंडोल दिस डेरिवेटिव ऑफ इंडोल। यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड हमने यूज किया है उसकी जगह हम PPA भी यूज कर सकते हैं, पॉलीफोस्फोरिक एसिड या फिर बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 भी यूज कर सकते हैं। सो अगर हमें जो भी फिनोल का डेरिवेटिव बनाना है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन यहाँ पे लेंगे और उसको हम ट्रीट कराएंगे जिंक क्लोराइड।
क्लोराइड के साथ में या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के साथ में या फिर बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन। फर्स्ट स्टेप इज हमने यहाँ पे टॉटोमेरिज्म की है, दिस सी एच टू एच, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। एंड दिस प्रोटॉन विल अटैच ऑन द नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। नेक्स्ट स्टेप इज दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। डबल बॉन्ड NH CH2, अनदर CH, दिस इज द CH3, डबल बॉन्ड एंड H। Now to regain the aromaticity, what will happen? This bond will break, this bond will shift here, this bond will shift here, and this proton will attach on this nitrogen. And there is another proton, this nitrogen will attach on this proton. So there will be formation of this compound. Aromaticity of benzene will be regained. With two hydrogens positive and one NH2 group. Now next step will be this hydrogen will release and the positive charge on nitrogen will remove. Moreover, this hydrogen will release, there will be formation of double bond here and this NH2 will release. So NH2 will release in the form of ammonia and one H positive is released. So there will be formation of this compound. This is the derivative of indole. So यहाँ पे अगर हमें कोई और substituent attach करना है या फिर benzene के साथ में हमें कोई और substituent attach करना है तो उसके regarding हम different एल्डिहाइड और कीटोन्स का फिनाइल हाइड्रोजोन लेके और वहां से रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल डेरिवेटिव्स।